आई गेस वेलकम टू टुडेज वीडियो एंड होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे पीपीआर जो कि आई है 26, 27, 28 की भी एक दो है, और साथ ही साथ आई विल मेक क्लियर अबाउट कि आपकी जो पीपीआर जो 30 डेज का होता है वो क्या एक्सटेंड की जाएगी या नहीं। बहुत सारे ट्वीट भी है, वेबसाइट पे भी जाके मैं आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। सो लेट्स बिगिन। सो ये जो आप पहली पीपीआर देख रहे हो ये 1 अप्रैल की है, और ये उनका पासपोर्ट रिक्वेस्ट कल 26 को आ गया था, सो विद इन जस्ट 25 डेज इनको आ गई। फिर ये जो आप दूसरी देख रहे हो ये हमारे साथ हमारे एक फ्रेंड ने शेयर की थी, आफ्टर आई गॉट पीपीआर फाइल उन्होंने लगाई थी 4 मार्च को, और उनका 6 मार्च को मेडिकल हुआ था, बायोमेट्रिक्स हुआ था 10 मार्च को, रिव्यू और मेडिकल अपडेट एंड रिफ्यूज़ल उनको आ गया 29 मार्च को। फिर उन्होंने फिर से अप्लाई किया और उनको आज 2 अप्रैल को उन्होंने फिर से अप्लाई किया विथ स्ट्रॉन्ग SOP एंड गॉट PPR। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। सो ये एक देख रहे हो ये भी 26 को आई थी, 5 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर September 21, 3 अप्रैल को फाइल की थी, 8 अप्रैल को उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था, मेडिकल रिव्यू उनको पता नहीं है, 26 अप्रैल को उनकी PPR आ गई। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, कीप अपलोडिंग वीडियोज एंड कीप एनलाइटिंग अदर्स, थैंक यू फॉर योर सच काइंड वर्ड्स। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं PPR ही नहीं लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी बनाता हूँ। सो ये इस पर तो हम बाद में आते, पहले हम ये देख लेते। ये भी एक 26 अप्रैल की है, 2 अप्रैल को फाइल की थी और 26 अप्रैल को उनको PPR आ गई। फिर ये जो आप देख रहे हो ये आज की है, फाइल लगाई थी 30 मार्च को, और उनको बायोमेट्रिक्स हुआ था 9 अप्रैल को, और उनका मेडिकल अपडेट हुआ 12 अप्रैल को, और उनको PPR आ गई 28 अप्रैल को। सो आज यानी कि सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी, विद इन मंथ आ जाती है अभी तो। फिर ये जो आप देख रहे हो ये कल की है, 27 अप्रैल को फाइल लगाई थी इन्होंने 5 अप्रैल को, उनका मेडिकल अपडेट हुआ था 13 अप्रैल को, उनका रिव्यू स्टार्ट हुआ अराउंड 11 PM एंड कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर एंड PPR आ गए विद इन 12:45 AM, मतलब एक घंटे के अंदर। मतलब अभी तो ऐसा ही मैं कहता हूँ 90% ऑफ केसेस में जो अभी फाइल रिव्यू में जा रही है ना उनकी तो PPR आ ही जाती है उसी दिन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन कीयूर पटेल आपको। फिर ये जो दूसरी आप देख रहे हो ये कल की है, 12 अप्रैल को उन्होंने फाइल की थी और 27 अप्रैल को उनकी PPR आ गई। सो बहुत कम टाइम में आ गई इनकी PPR रियली में, विद इन 20 डेज के अंदर अंदर। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। ये आप देख रहे हो ये भी कल के, ये भी रिजेक्शन वाला केस है, फाइल लगाई थी उन्होंने 2 दिसंबर को, 1 उनका बायोमेट्रिक्स हुआ था 5 जैन को, मेडिकल अपडेट हुआ 26 जनवरी को, एलिजिबिलिटी चेक हुआ 26 जैन को, उनको फाइनल डिसीजन आ गया 26 जैन को, और उनका रिजेक्शन आया था। फिर उन्होंने फिर से 3 अप्रैल को अपडेट किया, बायोमेट्रिक अपडेट ही नहीं हुआ, मेडिकल अपडेट 27 को हुआ, एलिजिबिलिटी भी 27 को स्टार्ट हुई, और उनको अप्रूवल भी 27 को आ गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। मतलब यार बहुत सारे रिफ्यूज़ल भी आते लेकिन आ जाती है, सो डोंट वरी। ये एक आज की है, वरदीप कौर की, गॉट AIP ऑन 3 September 2020, बायोमेट्रिक 6 जैन को हुए थे और उनको रिफ्यूज़ल आ गया 2 मार्च को। फिर उन्होंने रेज किया न्यू वेब फॉर्म विथ न्यू SOP एंड LOA फाइल प्रोसेस में फिर से चली गई 2 अप्रैल को, और उनको अप्रूवल एंड PPR आ गई 28 अप्रैल को। सो आपको भी अगर रिजेक्शन आया है सेप्टेम्बर इनटेक में आपका AIP आ गया था बाद में, तो यू कैन गो फॉर वेब फॉर्म, अगर वो लोग फिर से कंसिडर कर सकते। ये मैंने आज एक केस और देखा, बहुत सारे पहले भी ऐसे केसेस हुए। फिर ये ट्वीट पे भी हम बाद में आते, पहले हम PPRs देख लेते। ये भी कल की है, 31 मार्च को फाइल लगाई थी, 9 अप्रैल को बायोमेट्रिक्स हुआ था, मेडिकल अपडेट हुआ 23 अप्रैल को, उनको PPR रिक्वेस्ट आ गई 26 अप्रैल को, और उनका 8 ईयर्स की गैप थी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। फिर ये जो आप देख रहे हो ये भी 27 अप्रैल की है, 1 अप्रैल को फाइल लगाई, बायोमेट्रिक्स हुआ 8 अप्रैल को, और उनको PPR आ गई 27 अप्रैल को। सो इन शॉर्ट टाइम में आपको कह रही अप्रैल की फाइल्स की PPR आ रही है, अभी मार्च की थोड़ी थोड़ी आ रही है बैक, मतलब 25 के बाद की हमने देखी, 30 मार्च की पता नहीं मार्च को भी स्किप कर दिया या नहीं। अभी हम वो उस ट्वीट पे आते हैं जो ट्वीट बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। सी मैं आपको पहले हम ये पढ़ेंगे, IRCC विल नो लॉन्गर बी ऑटोमेटिकली एक्सटेंडिंग डेडलाइंस फॉर सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन इफ यू आर यू कांट प्रोवाइड डॉक्यूमेंट बिकॉज यूर क्लोजेस्ट वीजा एप्लीकेशन इज क्लोज IRCC विल नॉट कॉन्टेक्ट यू टू। ये IRCC ने ट्वीट किया। IRCC एक एक इमिग्रेशन है जो इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड की, ये ट्वीट है। अभी हम जाते हैं हमारे ब्राउजर पे और देखते हैं कि भाई ये क्या है,
तो हम इधर आ गए हैं IRCC की वेबसाइट पे ये तो इधर इन्होंने देखा है कि सिंस द ऑनसेट ऑफ द पेंडेमिक इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कैनेडा हैज बीन वर्किंग टू बेटर सर्व और ये सब है। इन एडिशन इधर से हम पढ़ते हैं IRCC has been automatically extending deadlines for applicants who have faced delays in submitting required documents due to COVID-19 restrictions. इधर से हमें ये क्लियर हो जाता है कि IRCC has been automatically extending deadlines. अगर आप डिले फेस कर रहे हो ड्यू टू COVID-19 तो हो ही जाएगा। As most IRCC office visa application centers around the world and application support centers in the United States have reopened, many applicants can now provide the supporting document needed for IRCC process their application. As a result, IRCC will no longer be automatically extending deadlines for submitting the required supporting. However, it will continue to provide deadline to clients who are still unable to provide document due to COVID-19 disruptions. Please read above below for detailed information on what applicants need to submit the required documents to request an extension. So, ये जो बात है ये USA की बात है। आप देखो, will no longer be automatically extending deadlines for submitting the required supporting documentation. और IRCC आपको कॉन्टेक्ट भी नहीं करेगी, ये ऐसा ही का है। और जो हमने अभी ट्वीट देखा उसमें भी यही है। सो ये ट्वीट ऑल ओवर वर्ल्ड में लगता है, सो इंडिया पे ये लागू नहीं होता है क्योंकि इंडिया में अभी लॉकडाउन है, जो आपको पता ही होगा वो। सो अभी ये हम यू शुड नॉट ट्रैवल टू अनदर सिटी और कंट्री टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज लॉन्ग एज प्रोवाइड अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ यू हैव बीन अफेक्टेड बाय COVID-19 रिलेटेड डिस्ट्रप्शन बाय द IRCC विल एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर एन एडिशनल 30 डेज। सो आपके पास रीजन होना चाहिए, आपकी PPR आ गई और बिना मतलब कि आपने वेब फॉर्म फिल नहीं किया, ऐसा तो है नहीं। वेब फॉर्म बंद है अभी क्योंकि VFS बंद है, क्यों बंद है, कोविड है। सो इस सब से हमें ये पता चल ही जाता है कि वी वोंट बी द कल्प्रिट, हमें कुछ नहीं होगा, वी ऑल आर सेफ। अगर आपकी PPR आ गई और एक्सपायर भी होने वाली है, जो लॉकडाउन जब से VFS क्लोज हुई है तब से के उसके बाद अगर आपकी PPR आ गई है और आपने वेब फॉर्म फिल नहीं किया या कुछ भी नहीं किया, तो आपकी आपका उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो VFS ही बंद है। सो दैट्स ऑल। होप कि ये वीडियो देख के आपको सब कुछ जो कैसे सबमिट करना था, कि क्या था 30 डेज का, वो सब क्लियर हो गया होगा। एंड ह्यूज थैंक यू टू अवर वन ऑफ द सब्सक्राइबर और कम्युनिटी मेंबर जिन्होंने हमारे साथ ये वेबसाइट शेयर की। मैं फिर से आप सबको कहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन दी व्हाट्सएप, नीचे मेरा नंबर होगा व्हाट्सएप का। और अगर आपको PPR भी भेजनी हो तो मुझे भेज सकते हो ताकि हम इधर YouTube पे शेयर कर सकें। और इसी के साथ ये आज का छोटा सा वीडियो समाप्त करते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में डाल दीजिए, और अगर बहुत बड़ी क्वेरी हो तो यू कैन बुक मी फॉर 1-to-1 काउंसिलिंग, नीचे लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कनाडा रिलेटेड अपडेट शेयर करते रहते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू मेक श्योर दैट आप लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। You just gonna take that? Or will you fucking fight back?